नमस्कार मित्रों, मैं पूनम खंगारोत श्री कल्पतरु संस्थान की महिला शाखा की तरफ से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। हम लोगों ने, आप जैसा कि ये देख रहे हैं, ये सिंदूर का पौधा है। हम लोगों ने अपनी नर्सरी में ये सिंदूर के पौधे तैयार किए हैं और ये सिंदूर के पौधे आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इस पौधे के अंदर से हम लोग सिंदूर निकालते हैं। और जो सिंदूर आजकल जो बाहर इस्तेमाल किया जाता है उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स से बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं, जैसे कि कैंसर जैसे परिणाम भी आते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से ये पौधे के अंदर सिंदूर नेचुरल वे में तैयार किया जाता है और इसको हम इस तरह से जब मसलते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिंदूर यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसको कि मैं अपने माथे पर लगा करके आपको दिखाऊंगी। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाएं सिंदूर अपने पति के लंबी आयु के लिए सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, तो क्यों ना हम इस नेचुरल सिंदूर का इस्तेमाल करें और अपने पति की आयु के साथ साथ अपनी आयु को भी हम बढ़ाएं, जिससे कि हम अपने पति की सेवा कर सकें, अपने परिवार की और अपने सारे पूर्वजों के, अपने पूरे परिवार से लेकर के सभी की, हम लोग समाज की, सबको हम अच्छा एक संदेश दें और सबकी सेवा कर सकें। देवी देवताओं के लिए भी आप इसी तरह का सिंदूर यूज़ करें, क्योंकि देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी केमिकल से ख़राब होती हैं। तो हमारा एक, हम लोग एक इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाएं। धन्यवाद।